इंदौर में नशाखोरी और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सराफा पुलिस एक रिक्शा में रखी दो बोरियों से करीब 40 किलो भांग बरामद की है। हालांकि पुलिस को देखकर रिक्शा चालक ने भागने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे धर दबोचा। इंदौर की सराफा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक रिक्शा चालक मोरसली गली से भांग रखकर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब रिक्शा रोकने के प्रयास किया तो उसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने पीछा कर कुछ दूरी से रिक्शा को पकड़ा और तलाशी लेने पर दो बोरियों में से करीब 40 किलो भांग बरामद की गई। रिक्शा चालक से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम साबुद्दीन बताया है और जिस व्यक्ति ने भांग रखी थी उसे नहीं पहचानता है। केवल मोरसली गली राजकुमार ब्रिज तक बोरियों को पहुंचाने की बात हुई थी। रिक्शे में भांग जा रही है तो रमेश सेठ साहब ने पीछा करके उसको पकड़ा। रिक्शा चालक का नाम है सबजुद्दीन, पिता सबरुद्दीन, 65 सिकंदराबाद कॉलोनी इंदौर का है। उसके अंदर दो बोरियों में भांग भरी हुई थी। उनको तुलवाया तो 20-20 किलो निकली, 40 किलो भांग निकली दोनों बोरियों में। ये मालवा मिल तरफ जा रहा था, किसी ने इसको जो है मोरसली गली के यहाँ पे रिक्शा रखे थे, हो रहे किसी के नाम नहीं आया। नहीं, ऐसा इसको कुछ मालूम नहीं रिक्शा ड्राइवर को। जिसका नाम आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रिक्शा चालक के बयान के अनुसार पुलिस ने मोरसली गली में लगे सीसीटीवी कैमरे सहित संदिग्ध लोगों की पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।